फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या अकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। वीडियो है आज का क्लास टेन का मैथ्स का चैप्टर थ्री का लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3। और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सिक्स पार्ट को। पहली इक्वेशन क्या है, 3x/2 - 5y/3 = -2। और दूसरी इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। पहली इक्वेशन को यूज करना है, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वो पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो यूजिंग इक्वेशन वन, पहली इक्वेशन लिख दी हमने, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 9x हो गया और 5y * 2 हो जाएगा -10y। ये 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा -2 के साथ, तो -12। 9x - 10y = -12। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये -10y हो जाएगा +10y और 9 डिवाइड में आ जाएगा दोनों। देखिए x की वैल्यू क्या आई, -12 + 10y / 2। ये वैल्यू हमने इक्वेशन वन से निकाली है, तो पुट कर देंगे इक्वेशन टू में, जहां पर x होगा वहां पर वैल्यू आ जाएगी -12 + 10y / 9। तो यहां पर है x, यही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इक्वेशन टू लिख दी, x की वैल्यू लिख दी -12 + 10y / 9 और उसके अपॉन में 3 + y/2 = 13/6। ये 3 का मतलब 3/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 1 से अगर ये डिजिट मल्टीप्लाई होती है तो सेम रहेगी, और 9 जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मतलब 3/1, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें कुछ इस तरह से, (1/3) तो जस्ट 9 × 3 = 27 हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा +y/2 = 13/6। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। 27 और 2 का एलसीएम होता है 54। अब 54 27 से डिवाइड करोगे तो 2 जाकर, और उस 2 को इन दोनों ही डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। -12 को 2 से करोगे -24 और 10 को 2 से करोगे 20। -24 + 20y / 27, ये 27 पर डिवाइड होगा 54। अगर 2 से डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 27 आया, y से मल्टीप्लाई करा 27y = 13/6। दोनों y वाले प्लस हो जाएंगे, 20 + 27 = 47y, और ये एज इट इज लिख दिया 24 माइनस का, (54 = 13/6). क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों डिजिट 6 से होंगी और 54 और 13 होंगे, तो 24 को जब -24 को जब 6 से करोगे मल्टीप्लाई तो -144, और 47y को जब 6 से करोगे मल्टीप्लाई 282y, और 54 और 13 हो जाएगा 702। विदाउट वेरिएबल की डिजिट क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट राइट साइड में प्लस की हो जाएगी, 282y हो जाएगा 702 + 144, दोनों को ऐड करोगे तो 846 होता है अपॉन में 282, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड है। 846 282 के टेबल में 3 जा पर आती है, तो इक्वल्स टू वैल्यू आ रही 3। ये वैल्यू पुट कर दे किसी भी इक्वेशन में, हमने करी इक्वेशन 2 में, y की वैल्यू 3, यहां पर क्या आएगा 3, बाकी सेम रहेगा (x/3 + 3/2 = 13/6)। ये थी y की वैल्यू, 3 × 2 का एलसीएम ले लिया, 3/2 को आपने माइनस में भेज दिया विदाउट वेरिएबल वाला, तो -3/2, 3/2 प्लस का है -3/2। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 9, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 6, x/3 एज इट इज लिखे, 2 और 6 का एलसीएम होगा 6, 6 और 2 का एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को 6 से डिवाइड करें, 1 जाके और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से डिवाइड करें 3 पे, और वो 3 फिर
न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, नहीं माइनस कर दीजिए, 4 हो जाएगा अपॉन 6, 4 अपॉन 6, और ये डिवाइड में है, कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई, कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। यहां पर जो कॉन्सेप्ट था कि देखिए विदाउट वेरिएबल की डिजिट माइनस हो जाएगी, प्लस से माइनस साइन चेंज होता है ट्रांसपोर्ट करने पर, उसके बाद दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर होता है वो पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, 1 पे हुआ डिवाइड, वो 1 फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाए, इसी तरह इस डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे 3 पे, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, बाकी माइनस करके फिर ये मल्टीप्लाई मार के कैंसिल होकर वैल्यू आएगी 2। ये था पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 का, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोनों ही वैल्यू एक्स और वाई की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है एक्सरसाइज का, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y = mx m * x + 3। इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज कर लीजिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, उसको पुट करें दूसरे इक्वेशन में, और उससे आपको x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसके बाद y की जगह y की वैल्यू पुट कर देना, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देना, इस तरह से अल्टीमेटली आप m की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस मेथड को, इस प्रोसेस को करेंगे कैसे, स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन 1 का यूज करते हैं हम, 2x + 3y = 11, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 11 ये माइनस में हो जाएगा 3y, और x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, ये है इक्वेशन 2, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, x की वैल्यू पुट कीजिए 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y दोनों माइनस 7y हो गए, और ये इधर जाकर माइनस लीजिए, 11 को माइनस करिए उधर, कितना हो गया 35, माइनस माइनस प्लस हो गया 35 वैल्यू, दोनों डिजिट माइनस की, तो माइनस का सिंबल भी होता है, दोनों माइनस का सिंबल कैंसिल हो गए, y की वैल्यू क्या होगी 35/7 कटिंग हो गई तो 5, तो y की वैल्यू 5 पुट कर दे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 को लिख लो, इक्वेशन 1 लिख दी, y की वैल्यू 5 यहां पर पुट कीजिए, 15 माइनस में भेजो, प्लस है तो माइनस, कितना बचेगा माइनस 4, बड़ी डिजिट का सिंबल भी यूज करो, डिवाइड में भेज दीजिए 2 को, मल्टीप्लाई में है तो माइनस 2 आ गई वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस 2, तो एक्स आ गया माइनस 2 और वाई है हमारा 5, दोनों ही वैल्यू को पुट कीजिए यहां पर, पुट इन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, वाई की वैल्यू 5, x की वैल्यू माइनस 2 और प्लस 3, ये माइनस 2 m हो जाएगा और ये माइनस का 3, फाइव माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 m, ये होगा 2 इक्वल्स टू माइनस 2 m, ये डिवाइड में आ जाएगा और m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, माइनस 1, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, दैट इज माइनस 1, पूरा स्टेप बहुत इजी था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही मैंने दोनों पार्ट को करा, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कीजिए और उसको पुट कीजिए दूसरे इक्वेशन में,
जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो वापस किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट क्वेश्चन में एक पार्ट ऐड किया है कि जब हम वाई और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसके समय जस्ट पुट कर दीजिए और आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर जो है -1। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, कमेंट करना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिले। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।